तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे ओआईसी को। ये उसका पार्ट टू है। इसमें पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसका मेन अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। अब हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ओआईसी के क्या क्या मोटिव्स हैं, उसके चार्टर के अंदर क्या क्या लिखा गया है, कि उनके फंक्शन क्या है बेसिकली। तो वो क्लियरली उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम इसकी बॉडी पे जाएंगे कि ओआईसी का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बॉडी कौन सी है, उसके अंदर कौन से कॉम्पोनेंट्स आते हैं, जीन से चार जो भी हैं, तो वो किस तरह काम करती है। तो उसकी फंक्शनिंग को देखेंगे, अब इसके रोल को देखेंगे कि किस तरह करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ओआईसी के चार्टर की बात करें, तो उसके चार्टर में ये जो होता है कोविनेंट जो होता है, उसका एक जो चार्टर होता है, उसका जो एक मेन पर्पज़ होता है वो क्या है, तो हमें पता चलता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो ओआईसी के मेंबर्स हैं, ठीक, उनको मेंबर स्टेट्स कहा जाता है, तो उनके दरमियान फ्रेटर्निटी, उनके दरमियान जो सॉलिडेरिटी है, उसके जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो उनके दरमियान कंसोलिडेट किया जाएगा उस बॉन्ड को, उस रिलेशन को इन्हांस किया जाएगा, ताकि उनके जो रिलेशन हैं मेंबर स्टेट्स के वो स्ट्रॉन्ग हो। तो फर्स्ट पर्पज इसका ये हो गया। सेकेंड, हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, जो सब स्टेट्स के कॉमन इंटरेस्ट हैं, सब स्टेट्स में आते हैं, तो उन कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड किया जाएगा। तो ये ओआईसी का पर्पज है, मोटिव है कि उसने उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, इस ओआईसी का काम ये है कि जो तमाम मेंबर स्टेट्स हैं उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको यूनिफाई किया जा सके, ताकि जो इस्लामिक वर्ल्ड चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जो इस्लामिक वर्ल्ड इश्यूज को फेस कर रहा है, उसको टैकल किया जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके, इंटरनेशनल लेवल पे भी और पर्टिकुलर लेवल पे भी। अगर कोई एक स्टेट लेवल पे भी कोई इशू आ रहा है, तो उसको भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके लिए काम करती है, ताकि उसकी जो जो इशूज हैं उसको रिजोल्व किया जा सके। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जनरली तौर पर और इस्लामिक वर्ल्ड में पर्टिकुलर तौर पे अगर जो इश्यूज आ रहे हैं, जो एफर्ट्स हैं, तो इस्लामिक वर्ल्ड को जो एफर्ट्स तो इस्लामिक वर्ल्ड को जो इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनको उनकी एफर्ट्स को यूनिफाई किया जा सके। थर्ड फ्रेंड आए तो हमें पता चलता है कि थर्ड जो इसका मोटिव है वो ये है कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसको ही रिस्पेक्ट करना है, कि लोग के पास सेल्फ डिटर्मिनेशन को खुद डिटर्मिन कर सकें कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है। और नॉन इंटरफेरेंस जो है डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर, उसको जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, कि आप एक स्टेट से उसके अंदर जो अफेयर्स चल रहे हैं वो स्टेट खुद ही उसको कंट्रोल करे, कोई बाहर से दूसरी स्टेट उसके अंदर इंटरफेयर ना करे। तो जो नॉन इंटरफेरेंस है उसको इंश्योर करना ओआईसी का काम है, कि डोमेस्टिक अफेयर्स में कोई भी जो है इंटरफेरेंस ना हो। एक स्टेट के जो डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं, जो एक स्टेट के घरेलू हालात होते हैं, तो वो स्टेट के वो खुद ही अपनी चीज़ों को डील करे, या कोई भी जो चीज़ें आ रही हैं, अफेयर्स चल रहे हैं, वो खुद ही करें, ना कि कोई बाहर से इंटरफेरेंस हो। तो इसको इंश्योर करना, इसके साथ जो एक स्टेट है, जो मेंबर स्टेट है, जो ओआईसी में मेंबर है, तो उन मेंबर स्टेट्स की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना, उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना, और उनकी जो टेरिटोरियल जो इंटेग्रिटी है उसको इंश्योर करना ओआईसी का काम है, कि जो भी उसके मेंबर स्टेट हैं, जो उसके ओआईसी के मेंबर्स हैं, वो सिक्योर हैं, उनको कोई इशू ना हो, तो ये इस पे काम करेगी। नेक्स्ट फ्रेंड, हम इसमें बात करें तो हमें ये पता चलता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है अपना जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो अपने कॉमन इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके। तो ये चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है इस बात को इंश्योर करेगी कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, कि अगर दुनिया के अंदर कोई ग्लोबल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या सोशल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रहा है, तो उसके अंदर जो ये आपके ओआईसी के मेंबर्स हैं, ओआईसी के मेंबर स्टेट्स हैं, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, ताकि जो कॉमन इंटरेस्ट हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड के, उनको इंश्योर किया जा सके, उनको सिक्योर किया जा सके। तो ये इसका काम है, ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम इसकी बात करें तो हमें पता चलता है रीअफर्म्स इट्स सपोर्ट फॉर द राइट्स ऑफ पीपल आर स्टिपुलेटेड इन द यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल। इसके बाद फ्रेंड्स हमें पता चलता है कि जो यूएन में और जो इंटरनेशनल लॉ में जो पब्लिक के जो राइट्स हैं उनको इंश्योर किया जाए, मींस ये उस बात को रीअफर्म करेगा, उसको एडवोकेट करेगा और उसको सपोर्ट करेगा, जो ह्यूमन राइट्स हैं
वो उसको कोई उसकी वायोलेशन ना हो, ठीक है, जो यूएन चार्टर में जो बना हुआ है फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको जो है वो इंश्योर किया जाएगा कि उनकी वायोलेशन ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इसका मोटिव है ओआईसी का वो ये है कि इंट्रा इस्लामिक जो है इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन हो, लाइक जो डिफरेंट मेंबर स्टेट्स हैं इस्लामिक स्टेट्स तो उनके दरमियान इकोनॉमिक ट्रेड हो, उनके दरमियान जो है ट्रेड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, ट्रेड कोऑपरेशन हो, तो इसको इंश्योर करना, इसको स्ट्रेंथन करना, इसको इंक्रीज करना ओआईसी का काम है, ठीक है। तो ताकि अगर ये इनके दरमियान इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगे, ट्रेड इन्हांस होगी, तो बेसिकली क्या होगा कि वो इकोनॉमिकली तौर पर स्ट्रॉन्ग होगे, ठीक है, मीन के इससे जो ओआईसी है या ओआईसी के जो मेंबर्स हैं उनमें एक इंटेग्रिटी आएगी, उनमें एक तरह की इंटीग्रेशन आएगी, यूनिटी आएगी। तो इस ओआईसी का काम यह है कि इन तमाम मेंबर स्टेट्स में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है वो अचीव की जाए, कि लोग इंटीग्रेशन हो, उनके दरमियान यूनिटी हो, इकोनॉमिक यूनिटी जो है वो अचीव की जा सके, ताकि जो इस्लामिक कॉमन मार्केट है उसको एस्टेब्लिश किया जा सके और इस्लाम के जो है इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसकी जो है जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो ये इसका काम है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ओआईसी का काम ये है कि जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके अंदर जो फ्रेंड्स सस्टेनेबल और कम्प्रीहेंसिव ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, और इसके साथ इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक वेलबींग वो उन स्टेट्स के अंदर हो। तो ये उन स्टेट्स के अंदर इस चीज़ों को जो है वो एस्टेब्लिश करने का काम करती है। तो ये इसका मोटिव है। नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स ओआईसी का जो काम है वो ये है कि जो इस्लाम की ट्रू इमेज है ना उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको डिफेंड करे। तो इसके लिए ये काम करता है कि इस्लाम की ट्रू इमेज जो है वो शो हो, जाहिर हो, और जो इस्लाम की डिफेमेशन है, जो इस्लाम को जो है डिफेम किया जाता है उसके खिलाफ कॉम्बैट किया जा सके, उसके खिलाफ लड़ा जा सके और उसको बताया जा सके ये जो इस्लाम वो है वो इस तरह का है, ये ट्रू इस्लाम है। तो जो उसकी जो फॉल्स इमेज है उसको रोकना ओआईसी का काम है। और इसके अलावा ओआईसी जो है डिफरेंट जो सिविलाइजेशंस हैं और जो रिलीजन्स हैं उनके दरमियान डायलॉग को इनक्रेज करती है कि आप डायलॉग करें, डिस्कशंस करें, डिबेट करें और एक जो हेल्दी जो है वो प्रमोशन हो और डेवलपमेंट हो। तो ये ओआईसी का काम है। नेक्स्ट है इसका जो देखें लास्ट तो पता चलता है कि जो ओआईसी है वो ये कहती है कि जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं तो वो अपने मेंबर स्टेट्स साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ें, डेवलपमेंट हो उनकी। तो साइंस को डेवलप करना और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ये इसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं। इसके साथ साथ जो रिसर्च है और जो कोऑपरेशन है इन तमाम स्टेट्स के अंदर फील्ड्स के अंदर उसको भी इंकरेज किया जाएगा कि रिसर्च हो, रिसर्च काम हो, साइंस हो और डेवलपमेंट हो। तो ये सारे फ्रेंड्स इसके जो हैं वो मोटिव्स हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो सारे मोटिव्स हैं इनको अचीव कैसे किया जाएगा, अब जो ये तो थे ओआईसी के काम, अब ओआईसी के टुवर्ड्स जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्होंने किस तरह काम करना है ताकि जो ओआईसी, क्योंकि ओआईसी तो इन मेंबर स्टेट्स की वजह से बनी हुई है ना, अगर आप मेंबर स्टेट्स को निकाल देंगे तो ओआईसी तो नहीं बचेगी। तो ओआईसी का हमने उसके मोटिव देख लिया, अब जो मेंबर स्टेट्स हैं वो क्या काम करेंगे उसके अंदर और किस तरह करेंगे। तो फ्रेंड्स जो तमाम मेंबर स्टेट्स हैं तो फ्रेंड्स पहला जो उनका काम है जो मेंबर स्टेट्स को, ये है कि जो यूएन है, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसको जो है उसको प्रिजर्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो पहला इनका काम है वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसको फॉलो किया जाएगा, तमाम मेंबर स्टेट्स यूनाइटेड नेशन के चार्टर को, उसकी जो पर्पसेस हैं, उसकी यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसकी जो टर्म्स हैं उनको फॉलो करेंगे और उनको इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर उनको एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये पहला उनका काम है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो सेकंड जो बात है वो ये है कि मेंबर स्टेट्स जो है वो सॉवरन है, इंडिपेंडेंट है और उनकी जो राइट्स हैं और जो उनकी ड्यूटीज हैं वो उनमें इक्वल है, कोई ये नहीं कोई बड़ा स्टेट हो कोई छोटी स्टेट हो, तो ऐसा कोई नहीं, तमाम की तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इक्वल है। नेक्स्ट ये है कि फ्रेंड्स जो मेंबर स्टेट्स होंगी वो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुल मीन्स के थ्रू, पीसफुल वे में उनको रिजॉल्व करेंगे, उनको सेटल करेंगे, ठीक है। तो कोई किसी किस्म की जो है वो बैटल नहीं होगी, कोई फाइट नहीं होगी, कोई वॉर नहीं होगी,
उनकी जो भी डिस्प्यूट्स हैं मेंबर स्टेट्स के, वो उनको पीसफुल मीन्स के थ्रू उनको सेटल करेंगे। इसके अलावा फोर्स को यूज़ करने से उसको रिफ्रेन करेंगे, उसको जो होगा वो उसको किया जाएगा, उसको अबोलिश किया जाएगा कि उसको जो है फोर्स को यूज़ नहीं करना, कोई भी अपने आर्मी वगैरह यूज़ नहीं करनी, कोई भी इशू है तो उसको अपने डिस्कशन के थ्रू, निगोशिएशन के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू अपने इसको रिजॉल्व करना है। तो अपने रिलेशन में जो है यूज फोर्स को यूज़ करना या उसका थ्रेट देना, उसको जो होगा वो कह सकते हैं कि डिस्करेज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स इसमें ये था OIC के मेंबर स्टेट्स ने ये करना है कि तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एक दूसरी बाकी जो स्टेट्स हैं मेंबर स्टेट्स उनकी नेशनल सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको जो है वो कंसिडर करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, और इसके अलावा जो है एक स्टेट की जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, कोई इंटरफेरेंस, कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, तो वो इससे अवॉइड करेंगे इंटरफेयरिंग करने से। तो जो एक स्टेट की तो इंटरनल अफेयर्स हैं वो स्टेट खुद ही उसको मैनेज करेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो लास्ट मेंबर स्टेट्स का काम है वो ये है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो रूल ऑफ लॉ को, फ्रीडम को, फंडामेंटल जो फ्रीडम्स हैं वो, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, तो इन सारी जो चीज़ें हैं, जो सारी वैल्यूज हैं, इसको नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रमोट करेगी OIC। उस OIC के मेंबर्स जो हैं इसको अपहोल्ड करेंगे और इसको प्रमोट करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं जो ये इस्टेब्लिश हों और ये मेंटेन हो। ठीक हो गया, तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास जो है चार्टर ऑफ OIC, OIC का जो काम है वो हमने इसको डिस्कस किया, उनका क्या क्या काम है, क्या क्या मोटिव्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रक्चर और इसकी बॉडी कि ये किस तरह बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।